डिजिटल दुनिया में कीवर्ड की बड़ी अहमियत है और इन दिनों लक्षद्वीप एक बड़ा कीवर्ड बन गया है। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट के बाद इसे गूगल पर इतना सर्च किया गया कि बीते 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। लक्षद्वीप को लेकर दो मुल्कों में रार भी ठनी हुई है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि महज 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये इलाका भारत का हिस्सा कैसे बना। क्यों कहा जाता है कि यदि 30 मिनट की देर हो जाती तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं होता। चलिए एनडीटीवी इतिहास की नई कड़ी में हम इसी पर बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। बेहद खूबसूरत समुद्र तटों से घिरे लक्षद्वीप की आबादी महज 70,000 है। कभी इसके 36 टापू हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक टापू समंदर की गहराइयों में समा गया, लिहाजा अब इसके पास 35 टापू हैं। ये 1973 में केंद्र शासित प्रदेश बना। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित इलाका है। कहीं ये विवरण जानकर आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस छोटे से इलाके के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, तो आप गलत हैं। लक्षद्वीप में पर्यटन की अपार संभावनाएं तो है ही, और इस छोटे से इलाके की वजह से भारत को सागर में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सेस मिल जाता है। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ कन्वेंशंस के नियमों के मुताबिक किसी देश के तट में 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लक्षद्वीप का सबसे पहला जिक्र बौद्ध साहित्यों में मिलता है। ये संस्कृत के शब्द लखद्वीप से मिलकर बना है, जिसका मतलब है हजार टापू। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक यहाँ चेरा साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमाल के समय में लोगों ने बसना शुरू किया। दशकों तक चेरा साम्राज्य ने यहाँ पर राज किया। बौद्ध धर्म यहाँ की 5वीं सदी के आसपास पहुंचा था। बौद्ध भिक्षु संघमित्र के भी यहाँ आने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। अहम यह है कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार और संत उबैदुल्लाह ने यहाँ इस्लाम का प्रसार किया। लक्षद्वीप में अभी भी उनकी कब्र मौजूद है। इसके बाद दौर आया 11वीं सदी का। चोल साम्राज्य ने इस द्वीप समूह को कब्जे में ले लिया। कई सदियों का मतलब 14वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा। इसके बाद द ग्रेट टिपू सुल्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टिपू की हार हुई तो ये पूरा द्वीप अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब बात उस बात की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हुआ यूं कि अंग्रेज जब भारत को अलविदा कर रहे थे तो पूरा देश बिखरा हुआ था। लक्षद्वीप बेहद छोटा इलाका था, लिहाजा ना तो पाकिस्तान का और ना ही भारत का इस पर ध्यान था। अगस्त के अंतिम दिनों में पाकिस्तान के नेता लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना इस पर अपना अधिकार जमा लिया जाए। लिहाजा उन्होंने इस पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को रवाना कर दिया। लेकिन सरदार पटेल भी तब सचेत थे। उन्होंने पाकिस्तान से पहले ही अपनी सेना को लक्षद्वीप हासिल करने का टारगेट दे दिया। भारत से दूरी कम होने की वजह से हमारी सेना वहां पहले पहुंची और अपना तिरंगा लहरा दिया। जब पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची तो भारत के तिरंगा को लहराते हुए देखा और युद्ध की आशंका से वापस लौट गई। कहा जाता है कि दोनों सेना की वहां पर पहुंचने की टाइमिंग में महज 30 मिनट का ही अंतर था। वैसे आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं था। लक्षद्वीप हमेशा से हिंद महासागर में कारोबार का अहम रूट रहा है। यहाँ से समंदर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए ही भारत ने अपनी नौसेना का बेस यहाँ तैयार किया है। आप लक्षद्वीप की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।